नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने प्रतिभा, अपने टैलेंट, अपने पैशन को कैसे पहचाने। अपने धरती पर आने का जो उद्देश्य होता है, आप सभी को लगता होगा इस धरती पर आने में खास काम के लिए आया हूं, आपको ऐसा लगता होगा, बार बार लगता होगा, डेफिनेटली लगता होगा। क्योंकि इस वीडियो तक अगर आप पहुंचे हैं तो ये पक्की बात है कि आपने कुछ खोज आपके मन में चल रही है, और वो क्या आप करने के लिए आए हैं उसके लिए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको अपने बारे में जानने में मदद करेंगे। देखिए, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की कैपेबिलिटीज हैं जिसको जानना एक मुख्य उद्देश्य होता है इस धरती पर आने का। वैसे और भी उद्देश्य हैं, उदाहरण के लिए हमारा एक उद्देश्य है अपने कार्मिक क्लियर करना, राइट। इसके बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो डाला है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन के उद्देश्य में है कार्मिक क्लियर करना, पृथ्वी के नियमों को समझना, और इस धरती पर आकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करना और अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना। जब मैं बात कर रहा हूँ अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना, बाकी नियमों के बारे में मैं अलग वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे पहचाने और कैसे लोगों के सामने लेकर आए, आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें शारीरिक कैपेबिलिटीज भी होती है हमारे अंदर, हमारे अंदर मानसिक प्रतिभाएं भी होती हैं, और हमारे अंदर आत्मिक प्रतिभाएं भी हैं। आत्मा के अंदर भी गुण हैं जो कि मेडिटेशन से निखरते हैं। जैसे प्रेम की योग्यता है हम सबके पास, अपार अनंत प्रेम के भंडारी हैं हम, लेकिन उसको भी निखारना पड़ता है मेडिटेशन के द्वारा। अब शारीरिक और मानसिक योग्यताएं, जिसको आप अपना पैशन बोलते हो, जिस वो पैशन को पहचाना कैसे जाए, सबसे बड़ी बात है उसको पहचानना। और अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन सेम हो जाए, मतलब वही काम आप करें, तो आप अपने आपको जीवन में वो आनंद, वो खुशी मिलेगी जो किसी भी मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति को अपने मेडिटेशन में आनंद मिलता होगा, या जो बुद्ध को खुशी मिलती होगी, वैसी खुशी आपको अपने जीवन में वो काम करने में मिलेगी जो आपका बेसिक टैलेंट होगा। अब उसको पहचाने कैसे, तो पहचाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास अनेक तरह की प्रतिभाएं मौजूद हो सकती हैं। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वो कौन सी प्रतिभा, वो कौन सा टैलेंट, वो कौन सा कौशल, वो कौन सा गुण, वो कौन सा स्किल आपके पास है, वो कौन सी क्षमता आपके पास है। याद रखिए, एक क्षमताएं वो होती हैं जो आपको एक अच्छी नौकरी दिलवा सकती हैं, जो आपको अच्छा बिजनेस दिलवा सकती हैं, काम दिलवा सकती हैं, पैसा कमाने का योग्यता दे सकती हैं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। जैसे मैं 3 Idiots मूवी की बात कर रहा हूँ, वो जो इंजीनियर, ऐसे इंजीनियर वो काम कर सकता था किसी कंपनी में, लेकिन जब उसने फोटोग्राफी को अपने पैशन की तरह से चुना तो अपनी जिंदगी को जिया। मैं आपको इसी जिंदगी को जीने की बात कर रहा हूँ कि जिंदगी को जिया कैसे जाए। तो इसी जीवन को जीने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस टैलेंट को पहचानना। तो क्योंकि अगर आपने अपनी इस प्रतिभा को पहचान लिया, तो समझ लीजिए कि जैसे मतलब आप अपने जीवन को खुल के जी पाएंगे। क्योंकि किसी की प्रतिभा छिप जाती है और किसी की प्रतिभा छप जाती है, और जिसकी छप जाती है, हम उसी छपने की बात कर रहे हैं कि अपनी उस छिपी हुई प्रतिभा को छापने के लेवल पर आप कैसे लेकर आएंगे। तो पहली बात समझिए इस बात को कि वो काम जिसको करते हो, नंबर वन, वो काम जिसको करते हुए आपको टाइम का अंदाजा ना रहे, जिसको काम को करते हुए आपको बिल्कुल ये ना लगे कि कब दिन हुआ, कब रात हुई, तब समझ लो कि डेफिनेटली आपका ये जो काम है ये आप 18 घंटे भी करो और करने के बाद भी आपको ज्यादा एनर्जी महसूस हो, तो समझ लीजिए कि ये काम आपका पैशन है। ये काम में आप थकते नहीं हो बिल्कुल भी। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल, जब वो क्रिकेट खेलते थे रात के 2:30 बजे, एक बार उन्होंने कहीं बुक में लिखा कि स्टेडियम में जो स्लॉट मिलता था, क्योंकि बाकी सारे टाइम स्टेडियम बिजी रहता था, तो रात के 2:30 बजे स्लॉट मिलता था, उस समय भी वो जाकर अकेले, क्योंकि कोई साथ देने वाला बहुत कम लोग होते, तो अकेले जाकर प्रैक्टिस पे लग जाते। अब ये है पैशन, ये है वो पागलपन, ये है वो प्रतिभा जो उभर कर आई, और हम जानते हैं कि वो सचिन फाइनली क्या बने। तो ऐसी प्रतिभा आपके अंदर भी कुछ है, कोई ऐसा काम जिसको करते हुए आप बिल्कुल 24/7 भी लगे रहे ना, तो आपको थकावट नहीं लगती, तो समझ लीजिए वो आपका पैशन है। तो इसको पहचानना, आपको उस चीज को पहचानना और उस पर काम करना। अच्छा, उसके बारे में और आगे कैसे बढ़ा जाए, डेफिनेटली नंबर दो, अब मैं बताता हूँ, जानकारी लेने की इच्छा पैदा होना, मतलब उसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, आपके मन में आता है कि और इसके बारे में नॉलेज लो और जानो, और मजा आता है। कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके बारे में, मतलब आप उसमें डूबे रहना, आप उसके बारे में और नॉलेज, जितनी जानकारी लो आपका दिल उतना ही उसके बारे में और ज्यादा इच्छुक होता चला जाता है। तो समझ लो कि ये जो टॉपिक है, ये जो पैशन है, जो पॉइंट है, ये टॉपिक, यही आपका पैशन है, यही आपकी प्रतिभा है, जिसके बारे में आप बिल्कुल मतलब बेचैन हो जाते हैं जिस चीज के बारे में जानने को, वो चीज डेफिनेटली आपकी, जितनी जानकारी लो उतना आपको अच्छा लग रहा है, समझ लो कि ये आपकी प्रतिभा है, इस पर आपको और नॉलेज लेनी चाहिए और काम करना चाहिए। अब नंबर 3, अब आपको एक्चुअली उस गतिविधि में शामिल होना चाहिए, उस एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए जो आपकी प्रतिभा को और उभार सके, मतलब जहां पर वो प्रतिभा एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही हो,
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पायलट बनने का शौक है तो जाए और किसी तरीके से परमिशन लेके किसी पायलट को देखे, पहली बात तो ऑफकोर्स वीडियोज देखे, जानकारी ले कि कैसे प्लेन उड़ता कैसे है, पायलट कैसे काम करता है, वो एक पार्ट है। फिर वो एक्चुअली किसी से जीवन में जाकर मिले। मेरे मित्र के बेटे को आईएएस के लिए बात करनी थी, तो हम उसको हमारा जो सिटी है जीन सिटी, वहाँ के डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास, मतलब डीएम जो वहाँ के जो मतलब वहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं, हम उनको सामने जाके मिलवाया, उनको दिखाया कि कार्रवाई कैसे होती है। देखो, अगर देख के तुम्हारे दिल में आग सी लग जाती है कि बस यही मुझे करना है, तो वो एक्टिविटी चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। हमारे एक मित्र को बांसुरी फ्लूट के साथ इतना प्यार कि बस पूछो मत। उसने अपने बच्चे को फ्लूट के लिए, मतलब वो जो फ्रेंड है अपने बेटे के लिए, तो फ्लूट के लिए उसने स्पेशल ट्रेनर बुलाया और फाइनली उसने मतलब कि 4-5 अलग अलग टाइप की फ्लूट सिखाई। तो वो पैशन, मतलब उसकी एक्टिविटी जो भी हो उसमें शामिल होना, और उसमें वो आपको अट्रैक्ट करेगी। अगर आपको भी पैशन अभी भी समझ में नहीं आया तो उसमें कुछ इन्वॉल्व होकर देखिए, क्योंकि कुछ चीजें बात करने के बाद ही समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, नीरज चोपड़ा के जो कोच जिन्होंने नीरज चोपड़ा को एक्चुअली डिस्कवर किया और उनको निखारा, उनकी प्रतिभा को, जो वो पहली बार वहां पर उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने अनेक तरह के गेम्स के लिए उनको ट्राई करवाया, अनेक तरह के गेम्स के लिए, जैसे डिस्कस थ्रो होता है, जैसे दौड़ होती है, जैसे हर्डल वाली रेस होती है, अनेक तरह के उसके लिए ट्राई किया। लेकिन जब जेवलिन थ्रो की बात है, यानी भाला फेंकने की बात है, तो वहां पर भाला फेंकते हुए जो उन्होंने टैलेंट दिखाया, बाकी लोगों ने जब लगभग 19 या 20 मीटर तक भाला फेंका तो उन्होंने लगभग 24 मीटर तक, 5-6 मीटर ज्यादा जो भाला फेंका, तो समझ में आया कि ये बंदे का टैलेंट यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी कोई गतिविधि में शामिल होंगे तभी आपका टैलेंट उभर कर सामने आएगा। इस पे आपको जरूर काम करना चाहिए। अब इसके बाद नंबर 4 आता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो अपनी बात, तो अब आप अपने उस प्रतिभा को उभारने के लिए, निखारने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार रहें। मतलब कुछ भी अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो डेफिनेटली आप तैयार रहेंगे। आपका दिल कहेगा कि इसके लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है, अगर आप अपने दिल की सुने तो। ऑफ कोर्स, अगर आप केवल पैसे को देखेंगे और समाज को देखेंगे तो हो सकता है आपकी बात आपका दिल ना करे, आपका दिल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो दिल कहेगा कि दिल कहे रुक जा यहीं पे, कहीं जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं। दिल मतलब उस बात पर अटक जाएगा कि बस ये चाहिए, इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपकी प्रतिभा है, ये आपका टैलेंट है और इस पर आपको काम आगे करना चाहिए। इसके बाद ये भी समझ लें, अगर नंबर 5 मैं बोल रहा हूँ, ये है मौका जरूर मिलेगा। आपने अगर इतना अपने आप के लिए कुर्बान किया, अगर इतना पहचानने में अगर मेहनत लगाई, तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपका मित्र है, आपका पिता है, आपकी माता है, मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड जिसने आपको इस संसार में भेजा है वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है, वो पूरी तरह आपको आपके टैलेंट को उभारने का वो पूरा प्रयास करेगा, आपको चांस जरूर देगा वो कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं अपने उस प्रतिभा को, अपने उस टैलेंट को, अपने उस पैशन को जब आप उस पर काम करेंगे, थोड़ा सा निखारेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो ऐसा मौका जरूर मिलेगा जब आप वो चीज लोगों के सामने रख पाएंगे और डेफिनेटली वो चीज काम करेगी। मैं सैमसंग में एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता था, तो वहां पर जब मैंने देखा, मतलब मैं उस लेवल पर जब मैंने वहां पर जब वो टाइम था, मतलब वो सब काम करते थे, सब अच्छा तो लगता था क्योंकि बहुत पैसा अच्छा खासा था वहां पर, लेकिन दिल कहीं ना कहीं अंदर से कचोटता रहता था कि भाई वो मजा नहीं आ रहा, मैं जिस काम को करने के लिए आया हूं ना वो काम नहीं हो रहा अभी तक। और जैसे ही जब मेरे को लगा कि जब मैं अपने आप के अंदर खोजा, थोड़ी खोजबीन करी अपने अंदर, ढूंढते समझ आया कि मुझे लोगों को समझाने में, मुझे लोगों को बात करने में, मुझे प्रेजेंटेशन देने में बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी होती है, ट्रेनिंग देने में बड़ा मजा आता है, बस। तो इसी चीज को फिर पहचान कर फिर इस पर काम किया और आज जो भी है वो उसी टाइम की बदौलत है। तो कुदरत ने मौका दिया, चांस दिया, फिर उस पर काम किया, मेहनत करी, डेफिनेटली वो निखर के आया। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि आप भी यकीन मानिए, नेचर आपको चांस देगी, परमात्मा आपको चांस देगा, आपको मौका मिलेगा। तो आपको चाहे उसमें, याद रखिए, वो आपको चाहे बहुत सारा, मतलब जरूरी नहीं है कि आप जब उस पर काम करेंगे तो आपको बहुत फेम मिलेगा या बहुत ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, लेकिन खुशी बड़ी मिलेगी, आनंद बड़ा आएगा जब आप वो काम करेंगे और आप अपने जीवन को जी सकेंगे। इसलिए याद रखना, अपने दिल के लेवल पर काम करना, अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो जीवन को जीने का मजा आ जाएगा। तो जरूर इस पर काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी अपने टैलेंट को पहचान लिया तो नीचे जरूर लिखेंगे आपके अंदर वो कौन सा टैलेंट है, और अगर इसमें मेरी कोई भी मदद हो सकती है, मतलब मेरी तरफ से कोई मदद हो सकती है, तो प्लीज मुझे लिखें, कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट मौजूद है, जिसको आपने क्या पहचान लिया उस टैलेंट को। अगर हाँ तो जरूर लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।